नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर महानगर पालिका में चुनावी आरक्षण घोषित, अंतिम निर्णय 30 जुलाई को किया जाएगा प्रकाशित। डेयरी और कृषि उत्पादों पर जीएसटी लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय, नागपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने दर्शाया विरोध। और महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का शिंदे गुट ने तय किया फॉर्मूला, विधायकों के साथ हुई मैराथन बैठक में सबकी रजामंदी से लिया गया निर्णय। नागपुर नगर पालिका चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए नागपुर नगर पालिका के टाउन हॉल में लॉटरी का आयोजन किया गया। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था। नगर पालिका चुनाव के इस मौके पर नगर पालिका चुनाव में रुचि रखने वाले प्रत्याशी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नागपुर नगर पालिका में कुल 52 वार्ड है और इसमें 156 सीटें हैं। इन 156 सीटों में से 35 सीटें पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित की गई है और आज महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आरक्षण हटा दिया गया है। नागपुर नगर पालिका की 156 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और सामान्य के लिए 38 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षण का प्रपत्र 30 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और आरक्षण के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव होने पर शनिवार 30 जुलाई से मंगलवार 2 अगस्त के बीच चुनाव कार्यालय या संबंधित वार्ड कार्यालय के दोपहर 3 बजे मुख्यालय पर नगर आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। नागपुर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 च्या अनुषंगाने माननीय राज्य निवडणूक आयोगांच्या सूचनाप्रमाणे आज नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण महिला यांच्यासाठी आरक्षण सोडतचा कार्यक्रम आज पार पडलेले। नागपूर महानगरपालिकेचा येणारी जे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण 52 प्रभाग आहे, एकूण जागेची संख्या 156 आहे, त्यामध्ये 50% म्हणजे 78 जागा महिलांकरिता राखीव करण्यात आलेले। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्गांकरिता एकूण 156 पैकी 35 जागा आरक्षित करण्यात आलेले, त्यापैकी 18 जागा महिलांसाठी आहेत। आज यांचं सगळ्यांचं जे नागरिकांचा मागास प्रवर्गांचा प्रभाग, त्यामध्ये महिला आणि जनरल सर्वसाधारण महिला असे सगळ्याचं लॉटरी काढण्यात आलेली। माननीय राज्य आयोग निवडणूक आयोगांच्या सूचनाप्रमाणे ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने लाईव्ह टेलिकास्ट आणि सगळ्या प्रिंट प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियांच्या समोर आपण केलेली होती आणि एकंदरीत याचा अंती 78 जागा आपण महिलांसाठी राखीव केलेली आहे आणि 78 पुरुष कुला ठेवण्यात आलेले। यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीकरिता आपण जो मागे केले होते त्याला मान्यता ठेवली असल्याकारणे त्याचं सोडून उर्वरित सर्वांसाठी आज प्रक्रिया पार पडली। दिल्ली हायकोर्टने काँग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा के बार लाइसेंस विवाद मामले से संबंधित ट्वीट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनी अपनी ओर से ट्वीट हटाए। कोर्ट ने तीनों नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि याचिका दायर की है। ईरानी ने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। ईरानी की याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। इन नेताओं ने ईरानी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी।
ईरानी ने तीनों नेताओं को लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस में कहा गया था कि अगर कांग्रेस नेता बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तथा अपने आरोप वापस नहीं लेते हैं तो ईरानी उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेंगी। ईरानी द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की युवा बेटी पर हमला किया जो विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है। नोटिस में कहा गया था कि जोइश ईरानी ने कभी भी कोई बार या कोई व्यावसायिक उद्यम चलाने के लिए किसी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें गोवा में आबकारी विभाग ने कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा है, जैसा कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से नागपुर के रवि भवन में कार्यकारिणी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर शहर अध्यक्ष वसीम लाला के नेतृत्व में शहर के पदाधिकारी व विभागीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यकारिणी सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से नागपुर महानगर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति प्रशासन की ओर से शालेय शिक्षण में बाधा व प्रभावों की समस्याओं को लेकर के रवि भवन स्थित कार्यकारिणी सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रांका शहर प्रमुख धुनेश्वर पेठे जी ने की व मार्गदर्शन प्रदेश महासचिव अफजल फारूक माजी आमदार प्रकाश गजबीय ने किया। प्रमुख अतिथि शब्बीर अहमद विद्रोही थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव शकील अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित राष्ट्रीय सचिव बंटी अलेक्जेंडर व अब्दुल शकील रहीम, राका शहर उपाध्यक्ष SB अहमद, तौसीफ शेख, महासचिव अरशद सिद्दीकी, अजहर पटेल, राजा खान, वसीम अंसारी, नौशाद हैदरी, पास्टर योगेश लांजेवार, हाजी बाबू, भरत सहारे, विभागीय अध्यक्ष मिर्जा जावेद बेग, मोहम्मद असलम अंसारी, पास्टर मनोज जामगड़े, हासिफ खान, माजिद कुरैशी, शफीक खान, इरशाद अंसारी, ब्रिजपाल सिंह सहानी, शहजाद अंसारी आदि उपस्थित थे। कल हमारा जो कार्यक्रम था वो पद अधिकारी कार्यकारिणी सम्मेलन कार्यक्रम हमने रवि भवन में लिया है और हमारे जितने भी नागपुर शहर में हमने जो हमारे पदाधिकारियों को जो पद दिया है, उपाध्यक्ष का पद दिया है, महासचिव का दिया है, सचिव का दिया है और विभागीय अध्यक्षों को विभागीय अध्यक्ष तो उस उपलक्ष्य में हमने रवि भवन में सभी पदाधिकारी विभागीय अध्यक्षों को बुला कर एक कार्यकारिणी सम्मेलन का कार्यक्रम हमारे नागपुर शहर के पूजा अध्यक्ष धुनेश्वर जी पेठे इनकी अध्यक्षता में लिया और इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन जो है हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव अफजल जी फारूक ने हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। माजी आमदार हमारे प्रकाश जी गजबी है, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शब्बीर विद्रोही साहब उपस्थित थे और प्रभागों में जो समस्या है, प्रशासन द्वारा जो अनदेखी हो रही है, अल्पसंख्यक समाज जिससे नाराज हो चुका है शहर में, जिस तरीके से पूरे शहर के पूरे प्रभागों में जो नाराज़गी हो चुकी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, जो प्रशासन जिसमें लापरवाही कर रहा है उसको देखते हुए और शालेय शिक्षण में जो बाधा आ रही है उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम की जो है अब सम्मेलन द्वारा शुरुआत की है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे पदाधिकारियों की क्या समस्याएं है प्रभागों की, उस समस्या को हम सुने और उसको सुनने के बाद में उसके ऊपर में हम एक्शन लें और उस काम को हम प्रशासन द्वारा हमारे वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं मार्फत हमारे राष्ट्रवादी के जुजार अध्यक्ष धनेश्वर जी के आज्ञा अनुसार उसको हम करके अपने नागपुर शहर के नागरिकों को न्याय दिलाए। ऐसे व्यवस्था को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन रवि भवन कॉम्प्रेस हॉल में किया। नागपुर के संविधान चौक में वंचित बहुजन आघाड़ी ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। Allah 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 Allah
देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। इसमें भी सरकार ने कई वस्तुओं पर GST लगाया है, इसीलिए नागरिकों को अधिक पैसा देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय डेयरी और कृषि उत्पादों पर GST लगाने का निर्णय लिया गया है, जो अब तक कर मुक्त थे। इसीलिए जब से महंगाई और बढ़ी है, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मांग की जा रही है कि अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रद्द किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये जन आक्रोश मोर्चा आज जो निकाला गया है, उसका कारण भारत सरकार ने जीवनावश्यक GST ऐसी चीज है कि जिसके वजह से पहले सारे व्यापारी, तमाम व्यापारी इस भारत के परेशान थे, लेकिन अभी ये भांडवलवादी मोदी सरकार का मोर्चा स्कूली विद्यार्थी, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, यानी उनको लगने वाली रोजमर्रा की चीज़ें जैसा दाल, तेल, अन्न, धान्य, साहित्य, इस पर भी GST लगा दी गई। उसी तरह गरीब विद्यार्थी, पेन, पुस्तक, वही कॉपी, इस पर भी GST लगाई गई। तो आज इस देश का तमाम गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, हाथ पे लाके रोज थाली में खाने वाला कामगार, ये सबकी बड़ी बहुत मुसीबत में आ गए हैं ये लोग। तो ये सरकार इस आज के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को जो मारने का प्रयास कर रही है, जिनकी शवयात्रा निकालने की प्रयास कर रही है, तो ऐसे GST लगाने वाले सरकार को ही, सरकार की हम लोग यहाँ शवयात्रा निकालने को यहाँ इकट्ठी हुई है, और उनकी शवयात्रा निकाल कर GST लगाने वालों की हम लोग वैरायटी चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक धड़क देने वाले हैं, और कुछ हमारे प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पे जाएगा। अगर ये GST यही थमती नहीं है तो पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी होती नहीं, उसी तरह भारत की राजमुद्रा जो है, जो ओरिजिनल थी सम्राट अशोका के ज़माने से, या बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखने के बाद बनाई गई जो राजमुद्रा थी, उसको यहाँ के जातिवादी, मनुवादी सरकार ने बदल दिया है, इसका विद्रूपीकरण किया है। इसके लिए वो राजमुद्रा पूर्ववत लगाई जाए, जो नए संसद भवन के सामने लगाई है, ऐसी हमारी डिमांड है। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का ये विशाल मोर्चा यहाँ पे आया है। आमचा मुख्य विषय हा म्हणजे आहे की केंद्र सरकारने, ह्या देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने सर्वसामान्य जनतेला जगू देण्याचा अधिकार जो संविधानाने आम्हाला दिलेला आहे, तो यांनी हिरावून घेतलेला आहे। जो व्यक्ती इथं जन्माला आला त्याला जगण्याचा इथं अधिकार आहे, परंतु ह्या नरेंद्र मोदींनी त्यांना जगण्याकरिता, त्यांना आवश्यक लागणाऱ्या सर्वसामान्य सर्व वस्तूवरती पण त्यांनी GST लावलेली आहे। याच्या व्यतिरिक्त हा जगातला एवढा पहिला देश, भारत देश एवढा विकसित देश झालेला आहे की जगातला पहिला देश आहे ह्या देशामध्ये शालेय पाठ्यपुस्तकाच्या साधनावरती, साहित्यावरती पण GST लावलेली आहे। याच्या अर्थ की इथल्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेऊन पुढे वाढू नये। आम्हाला बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की जो शिक्षण घेईल तो गुरगुर करेल, म्हणून शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते आम्ही प्यायलंच पाहिजे। ते आमचे संवैधानिक अधिकार आहेत, परंतु इथल्या शासनाने आमचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि इथल्या GST सर्व वस्तूवरती GST लावलेली आहे, दिवसेंदिवस इथल्या इंधनावरती भाव वाढलेले आहेत, सर्व महिला ह्या सर्व त्रस्त झालेल्या आहेत की शेवटी सर्व आम्ही बहुजन प्रायव्हेट क्षेत्रात कार्य करणारे लोक, आम्ही रोजचं हातावरती हिंसानी आम्ही खाणारे लोक आहो आणि जीवन जगणारे लोक आहो। आम्ही शिक्षण कसं करायचं, लेकरांचं भविष्य कसं आम्ही पुढं करायचं, जगायचं की मरायचं, ह्या केंद्र सरकारच्या ह्या GST नियमांनी आणि या इंधनावरती दरवाढीने इथल्या सर्व बहुजनाची पूर्ण पिळवणूक केलेली आहे। सर्वांना एकच प्रश्न आहे की केंद्र सरकार आम्हाला जगू देणार आहे की जिवंतपणीच आम्हाला मारणार आहे, आणि म्हणून आजच्या त्यांच्या विरोधात आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत। आणि आता लगेच अगर एवढी पण आमची बिलकुल ताकीद आहे केंद्र सरकारला की केंद्र सरकारने वंचित बहुजन आघाडीची ही मागणी अगर मान्य केली नाही तर अख्खा महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण भारतभर आम्ही आंदोलन करून अख्ख्या भारताला आम्ही चितळवून ठेवू आणि केंद्र सरकारला आम्ही गड्ड्यात गाडल्याशिवाय वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते हे राहणार नाही। खबर के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। नक्सलियों की मदद करने के आरोप में एक सरकारी MBBS डॉक्टर समेत 3 नक्सल समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गश्त के दौरान ये तीनों नक्सली शहीद सप्ताह के बैनर लगाए पाए गए। गिरफ्तार लोगों में कमलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के MBBS डॉक्टर पवन उइके भी शामिल है। आशंका है कि ये तीनों नक्सलियों को रसद मुहैया करा रहे थे। तीनों पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुलिस विभाग को सूचना मिली कि गढ़चिरौली जिले के कमलापुर इलाके में कुछ अज्ञात लोग नक्सलियों को बांध रहे हैं। पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी गुपचुप तरीके से जंगल में छुपकर इसकी जानकारी ले रहे थे। कमलापुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत MBBS डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 आरोपियों की पुलिस टीम गढ़चिरौली ने यहां गिरफ्तारी की। गढ़चिरौली जिले के सीमावर्ती इलाकों में दहशत पैदा करने के लिए नक्सलियों द्वारा ये बैनर हमेशा वन क्षेत्र में या सड़क के पास लगाए जाते थे। इसी सप्ताह नक्सलियों ने एक सरपंच की हत्या कर दी थी। इसी पृष्ठभूमि में गढ़चिरौली पुलिस अलर्ट मोड पर थी और हर क्षेत्र में अभियान चला रही थी। पुलिस के अभियान के दौरान आरोपियों को रंगे हाथ पोस्टर लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अहेरी तालुका का कमलापुर नक्सलियों के घर के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने काफी हलचल मचा दी थी। पुलिस को ये पता लगाना होगा कि डॉक्टर स्वेच्छा से ये सब कर रहा था या दबाव में। नक्सली हर साल नक्सली सप्ताह मनाते हैं, ऐसे में नक्सली गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। ये तीनों बैनर लगाते हुए मिले। पुलिस को ये मामले की जड़ तक पहुँचना होगा, क्योंकि नक्सली सप्ताह के दौरान नक्सली ज्यादा अधिक सक्रिय होते हैं। VKB न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़ी की रिपोर्ट। आजकल दुनिया में विभिन्न बीमारियों का आक्रमण हो रहा है। एक बीमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी भयानक बीमारी से मनुष्यों का सामना हो रहा है, जिसका असर इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति पर हो रहा है। इंसान शारीरिक रूप से तो अशक्त हो ही रहा है, लेकिन बढ़ती बीमारियों के डर से मानसिक रूप से भी अशक्त हो रहा है। ऐसे में सिकल सेल और थैलेसीमिया से बचने के लिए थैलेसीमिया और सिकल सेल फ्री इंडिया के तहत थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ब्लड मैच ऐप का निर्माण किया गया है। आज इस नए ऐप का उद्घाटन RSS प्रमुख मोहन भागवत के हाथों किया गया। इसे घेरे में आ जा रहा है और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका हमारे जन्म के साथ ही जन्म होता है, जिसे हम अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। इन्हीं में से एक है थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारी। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो बीमारी में पीड़ित को जिंदगी भर रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रक्त की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। थैलेसीमिया बीमारी की कई जांच और दवाइयां महंगी होती हैं। ऐसे में दर्द के साथ परिवार को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ता है। इस बीमारी का फिर अगर कभी भविष्य में सामना ना करना हो और इसे रोकना हो तो बस एक ही उपाय है,
शादी से पहले हर लड़के लड़की की थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक थैलेसीमिया माइनर पुरुष एक थैलेसीमिया माइनर स्त्री से विवाह करता है तो उनको होने वाली संतान को थैलेसीमिया मेजर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इसी तरह काफी हद तक सिकल सेल है, यह भी एक अनुवांशिक बीमारी है। इससे पीड़ित रोगी को जिंदगी भर शरीर में वेदना होती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से उन्हें रक्त देने की भी आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर ये बीमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी लोगों में पाई जाती है। थैलेसीमिया जैसे ही सिकल सेल डिजीज में भी एसएस पैटर्न का बच्चा तभी पैदा। प्रोग्राम बनाकर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि 10 साल में ये सारा टेस्टिंग वगैरह ठीक करके सबको इसकी जानकारी देके कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, हम धीरे धीरे इस जीन को और प्रवाह में आने से या पति और पत्नी का जीन एकत्र आने से रोक सकते। ये अगर हो जाए तो कौन बताए विज्ञान कब कैसी पलटी लेगा। आज तक इसका क्योर नहीं मिला है, लेकिन अब कई प्रकार की टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो रही है कि अगर यानी जेनेटिक मेडिसिन भी आ रहा है उसके चलते इस बीमारी का कोई क्योर भी निकल जाए। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐसे क्योर्स निकलते वो बहुत महंगे होते हैं, स्वाभाविक रूप से करने वाले का दोष नहीं है। ज्ञान नया है, तंत्र नया है और महंगा है। महाराष्ट्र में एक महीने से लटका मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिंदे गुट में सहमति बन गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों के साथ मैराथन बैठक की है। सबकी रजामंदी से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 2 दिनों से दिल्ली का दौरा टल रहा है। बताया जा रहा है कि शिंदे पिछले 2 दिनों से अपने विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे थे, जिसमें ये सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई थी, जिसके बाद 15 से 17 मंत्री पद पर बीजेपी हाईकमान देने को राजी हो गई। एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली आएंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल की तारीख पर मुहर लगेगी। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्री पद मिलने की जानकारी मिल रही है। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलेगा उन्हें महामंडल में चेयरमैन का पद दिया जाएगा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक फिल्म स्टूडियो के सेट पर आग लग गई। ये लव रंजन फिल्म का सेट था। सूचना मिलने के बाद दमकल की दर्जन भर गाड़ियां रवाना हुई। घटना डीएन नगर मेट्रो के नजदीक घटी। जहां पर आग लगी है वहां पर फिल्म का सेट है। इसे खुले मैदान में बनाया गया था। लकड़ी, शेड और प्लास्टिक की मदद से स्टूडियो बनाया गया था। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये लेवल 2 फायर है। शाम 4:28 पर आग लगने की सूचना मिली थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक फिल्म सेट पर आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियां पहुंची। लव रंजन फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल्स में हैं। सेट पर प्री लाइटिंग हो रही थी कि तभी आग लगी। अगले हफ्ते से रणबीर और श्रद्धा सेट पर शूटिंग करने वाले थे। बगल में राजश्री फिल्म के 2 और सेट्स भी लगे हुए थे, जिसमें से आग लगी है जबकि दूसरे में नहीं लगी है। इसी महीने मुंबई के हीरानंदानी पवाई इलाके के हाइको सुपरमार्केट में आग लगी थी। वहीं जून में नवी मुंबई के पनवेल इलाके में एक बंगले में आग लगने के बाद फंसे हुए 3 बच्चों को बचाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बोरीवली पूर्व उपनगर में 16 मंजिला इमारत में आधी रात के बाद आग लगी थी, जिस पर सुबह 4 बजे तक काबू पाया गया था। जून में ही महीने में मुंबई में अलीबाग इलाके के PNP थिएटर में आग लगी थी। वहीं नवेल तालुका के तलोजा में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी थी। तो बीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।